जनपद बहराइच की मिहींपुरवा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा लाल बोझा के ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नाराजगी जताई है। प्राप्त सूचना के अनुसार मिहींपुरवा विकासखंड के लाल बोझा में विगत कुछ दिन पहले तेंदुए का शव मिला था, जिसमें शिकारियों द्वारा शिकार की आशंका जताई गई थी, जिसमें वन रेंज मूर्तिहा के वन कर्मियों द्वारा कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को नामित कर मुकदमा पंजीकृत किया और 3 लोगों को जेल भेज दिया, जिसके विरोध में लाल बोझा के ग्रामीण भारी संख्या में एकत्रित होकर तहसीलदार मिहींपुरवा को ज्ञापन देते हुए बताया कि मूर्तिहा वन कर्मियों द्वारा बाघ मित्र के निराधार सूचना पर रात के लगभग 2 बजे राजेंद्र बुधई व बालक राम को सोते वक्त उठा लिया। पीड़ितों के परिजनों ने बताया कि वनकर्मी इतने उग्र थे कि पीड़ितों को मारते पीटते रेंजरी ले गए और वहां ले जाकर भयानक रूप से प्रताड़ित करते हुए नाखून और बाल तक उखाड़ डाले। मामले में तहसीलदार मिहींपुरवा अंबिका चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों का ज्ञापन आया है, मामला उच्च सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, कोशिश रहेगी कि किसी निर्दोष को परेशान ना किया जाए। यहां मामला बड़ा उग्र रहा, यहां हमारे सहयोगी अनिल मौर्य ने जानकारी जुटाई, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त मिहींपुरवा तहसील के पास पड़ा हूँ और ये कुछ जो ग्रामीण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये माजरा है, कुछ दिन पहले तेंदुआ मर गया था और किसी शिकारी द्वारा मारा गया था, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और सत्य के आधार पे वन विभाग वालों ने अब ये माजरा यहाँ का है कि लाल बोझा ग्राम सभा लाल बोझा के मजरा चमारनपुरवा का है, जो तेंदुए का शव मिला था वहाँ पे और कुछ ग्रामीणों का वन विभाग द्वारा बताया जाता है कि सब के आधार पे ले गए थे। 8 लोगों के ऊपर मुकदमा FIR दर्ज हुआ है और जिसमें से 3 लोगों को 2 बजे रात को बिना बताए उठा के ले जाया जाता है, जिसमें से एक परिजन उनके जो है इनकी औरत है जो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसको इस प्रकार से मारा गया है कि उसके शरीर पर काफ़ी चोट है। मैं अभी आपको चोट भी दिखाता हूँ और यहाँ पर ग्रामीण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने ग्रामीण आए हैं, सब वन विभाग के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं कि वन विभाग की जो रवैया है वो सही नहीं है और अगर लेके भी जाए तो इस प्रकार से मारा नहीं जाता है और ये लोग इतनी बुरी तरीके से वन विभाग वालों ने मारा है कि वो बोल नहीं पाते। उसमें से कुछ जो एक राजिंदर है जो BP के और शुगर के मरीज हैं, हालाँकि उनको इस प्रकार से मार के उन लोगों ने नाम उगलवाया, हालांकि यहीं के हैं ग्रामीण, उनके परिजन हैं। मैं परिजनों से पूछता हूं कि किस प्रकार से मारा गया था और क्यों मारा गया था, किस प्रकार से लेके गए थे और कैसे लेकर गए। ये पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है, वहीं के निवासी। मैं चमारनपुरवा का निवासी। क्या माजरा क्या पूरा था? माजरा ये हुआ कि एक तेंदुआ हमारे गाँव से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक मृत पड़ा, जिसकी कोई शिनाख्त भी नहीं है कि कहाँ से मरा कैसे मरा। हमारे गाँव के लोग जो हैं गरीब मजदूर, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को उनकी व्यवस्था करते हैं, उसके बाद में जंगल वाले आते हैं हमारे गांव में, इतना ज़्यादा तंग करते हैं निर्दोष व्यक्तियों को, मजदूर आदमी जो हम निर्दोष व्यक्तियों को ले जा करके रिंजरी में बंद करते हैं, पूरी तरीके से मारते पीटते हैं, नाखून तोड़ते हैं, बाल नोट डालते हैं, हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं नहीं की? हम लोग शिकायत के लिए क्योंकि आए हैं यहाँ पे तहसील में, यहाँ पर SDM साहब से बताएँ हम लोगों की समस्या का जो है तो समाधान करें। ये जो ये लोग परिजन जो बता रहे हैं कि वहाँ पर विभाग आए लोग आगे बढ़ा थे और मारते पीटते ले गए, क्या सत्य? यही सत्य है। घर में घुसे रात को करीब 2-3 बजे, लोग सो रहे थे, 3 बजे के टाइम में लोग सो रहे थे, उनको घर में घुसे एक बैग 10-12 लोग घुसे, जैसे टांग करके मारते हुए गाड़ी में डाल करके ले गए रिंजरी में, तो वहाँ पर भी मारा गया लोगों, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम लोग समस्या के निराकरण के लिए आए हैं, क्या होता है। मैं यहाँ पे व्यक्ति खड़े हैं वो ग्रामीण के, इनका भी उसी नाम है और लाइए इनसे हम पूछते हैं कि ये उस दिन कहाँ थे और क्या सत्य है क्या गलत है। भैया आप पहले अपना नाम बताइए। साहब हमारा नाम राजा राम है, हम उस दिन यहाँ मेहपुरवा में सटिंग खोल रहे थे वहाँ परवानी गोड़ी रोड पर, और हम यहाँ से फोन के आया घर से और बता रहे कि तुम्हारा नाम आ गया शेर मारने में, तो हम यहाँ से घर गए और बताते हैं कि रात में उठा ले जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, सही बताओ मारे हो बात। जबरदस्ती आपसे पूछा जा रहा है? जबरदस्ती पूछा जा रहा है। आप उस दिन कहाँ पे थे? हम यहाँ परवानी गोड़ी रोड पे शटरिंग का काम कर रहे थे, शटरिंग खोल रहे थे। अच्छा। और हमारा नाम आ गया उसमें।
अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं भी कुछ आई हैं और वन विभाग का इस प्रकार से आतंक चल रहा है कि यहाँ पे इतनी महिलाएं आए मायूस होकर आई हुई हैं और इतने सताया हुआ है वन विभाग के। कुछ लोग लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, उनको भी पकड़ के बंद कर दिया जाता है। आए दिन दुनिया शिकार करती, आए दिन टाइगर मर रहा है, हर एक जानवर मर रहा है, उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। ये फालतू में जो भी ग्रामीण है, ग्रामीणों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने तेंदुओं को मारा, और तेंदुओं के मारने के बाद अगर कोई मारेगा तो क्या आपने घर के पास सौ रखेगा? ये आप सब लोग जान सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि किस प्रकार से नहीं बताया जा रहा है कि जो चमारन पूर्वा जहाँ पे ग्रामीणों का घर था उसी से 300 मीटर दूरी पे वो जो तेंदुए का शव था वो पड़ा हुआ था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं आई हुई हैं वो अभी बताएंगी कि किस प्रकार से वन विभाग का प्रताड़ना चालू है, और इतना आतंक है कि ये महिलाएं वैसे भी डर गई हैं कि अभी क्या बोलें। तो आपका पहले तो नाम बताइए, आप अपना नाम बताइए। केतकी। आपके पति को लेके कब गए? तीन बजे रात को। और आपको भी मारा गया है? अच्छा, आप कहाँ, चोट कहाँ लगा है? ये देखिए काला पड़ गया निशान है, ये औरत है, ये प्रेग्नेंट है। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस बीजेपी सरकार में जो महिलाओं का गुण गाते हैं कि महिला की यहाँ पे सुरक्षा है, पर सुरक्षा नहीं है। महिला को इस प्रकार से मारा गया है कि ये प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी वन विभाग वालों ने मारा है। और वन विभाग को इतना ये नहीं पता है कि वहाँ पे कौन उस जानवर को मारा था, शक के आधार पर ले जाने के बाद इतना मारे हैं। तो आप और कौन कौन लेके गया था, आपके यहाँ से कौन कौन को लेके गए हैं आप? राजेंद्र को हमारे पति ले। अच्छा, आपके लड़के को भी ले गए? क्या नाम है आपके लड़के? राजेंद्र नाम है सर। राजेंद्र कै बजे रात को लेके गए? आधी रात को। तीन बजे। तो मारे भी वहाँ पे? मारे साहब, मारे नहीं, मारे नहीं, मारे नहीं, मारते नहीं है। आपका नाम? अपना नाम बताओ। आपके भी पति को ले गए हैं? क्या बोलो, बोलो साफ साफ, बोलो जोर से बोलो। आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया? अभी आप देख रहे हैं कि वन विभाग का इतना बुरा प्रताड़ना है कि ये इनके परिजन जो है, इनके परिजन बोल नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार से इन लोगों को सताया जा रहा है। और हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि एक जो जिसको जेल भेजा गया है उसके गार्जियन तक कोई नहीं है, वो घर पे कोई थक नहीं था, उसको जबरन उठा कर लेके गया। और गाड़ी में बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग जो इतने एकत्रित हुए सभी लोग, ये बताया कि वहाँ से पीटते हुए और मारते हुए गाड़ी में जैसे भूसा भरा जाता है उसी प्रकार से भरकर लेके आया गया। ऐसे स्वर का ना बहा दी हमारे बिटिया का छोड़कर या बिटिया।